तो हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रिकर अमित। तो यहाँ पे हमारे पास आज ओप्पो का फ़ोन है, ओप्पो रेनो 6 प्रो 5G, और इस फ़ोन में लगा है AFRP लॉक। मैंने पिछले वीडियो में आप सबको बताया था कि आप सब जो है वो अपने ओप्पो फ़ोन का लॉक कैसे खोल सकते हो, और उस वीडियो में मैंने आपको दिखाया था हार्ड रिसेट करके उसका लॉक खोल के, बट वहाँ पे फंस गया था AFRP लॉक, यानी कि यही स्क्रीन वहाँ पे दिख रहा था। तो मैंने आपको बोला था कि इसके ऊपर मैं वीडियो लेके आऊँगा, और आज फाइनली मैं वो वीडियो लेके आया हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे इस AFRP लॉक को हम यहाँ पे खोलने वाले हैं। अब हमें ईमेल एड्रेस जो पहले साइन इन था वो मुझे मालूम नहीं है, तो कैसे खोलना है तो वीडियो को कंटिन्यू वॉच करते रहो। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको होम स्क्रीन पे आना है। इसके बाद आपको इस एरो के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट के ऊपर जाना है। अब आपको करना क्या है, अब आपको फोन में टॉकबैक ऑन करना है। टॉकबैक ऑन करने के लिए आपको यहाँ पे वॉल्यूम अप बटन और वॉल्यूम डाउन बटन, दोनों बटन को आपको एक साथ दबा के रखना है। आपका टॉकबैक ऑन हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो है वो करना क्या है, आपको यहाँ पे क्लोज के ऊपर क्लिक करना है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे सिंपल सी एक एल बनाना है स्क्रीन पे। इसके बाद आपको करना क्या है, इसको मैं थोड़ा सा वॉल्यूम जो है वो कम कर लेता हूँ। इसके बाद करना क्या है, आपको टॉकबैक सेटिंग के ऊपर जाकर के डबल प्रेस करना है। इसके बाद आपको ब्रेली कीबोर्ड पे जाना है। इसके बाद आपको सेटअप करना है इस कीबोर्ड को, यहाँ पे सेटिंग्स के ऊपर जाना है। यहाँ पे ये ब्रेली वाला कीबोर्ड जो है वो इसको ऑन कर देना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे टॉकबैक को आपको ऑफ करना है। अब आपको बैक जाना है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको आना है ऐड नेटवर्क पे। यहाँ पे आपको जो है वो टर्न ऑन एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको जनरल पे आना है, यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी मेन्यू पे जाना है। इसके बाद यहाँ पे सेटिंग्स वाले बटन के ऊपर जाना है, और यहाँ पे हेल्प एंड फीडबैक का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर आपको जाना है। अब यहाँ पे आपको सर्च करना है, लेकिन इससे पहले आपको नेक्स्ट कीबोर्ड के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको सर्च करना है यूज मोर्स कोड, यहाँ पे आपको यूज मोर्स कोड आपको सर्च करना है। इसके बाद ये यूट्यूब आएगा, आपको ये यूट्यूब के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे शेयर के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपका YouTube डायरेक्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आपको इस तरह से YouTube जब आ जाएगा तो आपको करना क्या है, यहाँ पे सर्च पे चलना है। यहाँ पे सर्च कर लेना है TRICKERAMIT, ट्रिकर अमित आपको सर्च करना है। अब इसके बाद यहाँ पे इस चैनल के ऊपर जाना है, आपको सबसे लास्ट में अबाउट वाला सेक्शन है, यहाँ पे आपको वेबसाइट दिखेगा, तो इस वेबसाइट के ऊपर आपको जाना है। इसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करना है, नो थैंक्स करना है। अब देखो हम गूगल तक पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पे आपको सर्च करना है क्या, आपको सर्च कर लेना है AFRP बाईपास ओपन सेटिंग, आपको ये सर्च करना है। अब इसके बाद आपको सबसे पहले वाले वेबसाइट के ऊपर जाना है। इसके बाद आपको ओपन सेटिंग्स का APK जो है वो आपको डाउनलोड करना है। तो थोड़ा सा हम यहाँ से देख लेते हैं वो APK किधर में, यहाँ पे रहा, देखो गूगल सेटिंग्स है और ओपन सेटिंग्स में यहाँ पे मिलेगा, तो देख लेते हैं हम। देखो यहाँ पे सेटिंग्स ऐप है, तो इसे हम ओपन करते हैं। हमारा सेटिंग्स जो है वो ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको सबसे नीचे आना है। जब आप सेटिंग में डायरेक्ट आ जाओगे, इसके बाद आपको सिस्टम सेटिंग्स पे जाना है। इसके बाद आपको सबसे नीचे जाना है, यहाँ पे आपको बैकअप एंड रीसेट का ऑप्शन दिखेगा, तो ये बैकअप एंड रीसेट के ऊपर जाना है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है वो करना क्या है, रीसेट फोन, इसके ऊपर आपको क्लिक करने हैं। और इसके बाद सबसे पहले रीसेट नेटवर्क सेटिंग के ऊपर क्लिक करके रीसेट करना है। इसके बाद आपको रीसेट सिस्टम सेटिंग्स ओनली, इसको रीसेट आपको करना है। अब इसके बाद आपको फाइनली इरेज ऑल डाटा के ऊपर क्लिक करके यहां पे इरेज डाटा के ऊपर क्लिक करना है। आपका फोन रीस्टार्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब आपको वेट करना है जब तक कि आपका फोन ऑन ना हो जाए, थोड़ा सा हम वेट करते हैं।
अब हमारा फोन फिर से जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब इस एरो के ऊपर दबाना है, यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है, ये दोनों के ऊपर आपको टिक कर देना है, फिर नेक्स्ट करना है। इसके बाद आपको वाईफाई से कनेक्ट होना है, तो हो सकता है, चलो मैं अपना वाईफाई से कनेक्ट यहाँ पे हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे वाईफाई जब अवेलेबल है तो हम हो जाते हैं। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे डोंट कॉपी के ऊपर क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट आ रहा है अब स्किप का बटन, देख सकते हो आप, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे स्किप करना है, यहाँ पे स्किप कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे मोर सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करके मोर मोर एक्सेप्ट करना है, यहाँ पे आपको ओके करना है। यहाँ पे चलो इसे हम हटा देते हैं, ओके करते हैं। इसके बाद यहाँ पे स्किप करना है, यहाँ पे भी स्किप करना है। यहाँ पे आपको नेविगेशन बटन किस तरह से लेना है, चलो मैं ये रखता हूँ, या फिर आप चाहो तो ये भी कर सकते हो। नेक्स्ट करते हैं हम, यहाँ पे स्किप करते हैं और यहाँ पे चलो हम डन कर देते हैं। अब हमारा फ़ोन जो है वो फाइनली ठीक हो चुका है। अब गेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और ये देखो हम अपने फ़ोन के स्क्रीन पे आ चुके हैं। मैंने आपको बिना कंप्यूटर के लॉक तोड़ना भी सिखा दिया था और मैंने आपको बिना कंप्यूटर के FRP अनलॉक करना सिखाया। और ये हमारा फ़ोन ओप्पो रेनो 6 प्रो 5G है, आप देख सकते हो हमारे पास ये फ़ोन है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा यार तो वीडियो लाइक करना, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ वीडियो बनाने का। तो यार प्लीज़ एक लाइक करके आप हमें मोटिवेट जरूर करना। तो फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, तो मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।